नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा हमला, अगले साल सितंबर में 75 के हो जाएंगे नरेंद्र मोदी, अमित शाह को बनाया जाएगा प्रधानमंत्री, यदि मोदी सत्ता में आए तो 2 माह में योगी आदित्यनाथ को बदल दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल के दावे को खारिज करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में अपना तीसरा कार्यकाल पूरा करेंगे, 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट जैसी कोई बात नहीं, इससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। प्रियंका गांधी वाड्रा की पीएम मोदी को सलाह, इंदिरा गांधी से सीखें, दुर्गा जैसी महिला जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, उनकी बहादुरी साहस और दृढ़ संकल्प से सीखें, लेकिन आप तो उन्हें राष्ट्र विरोधी कहते हैं, आप उनसे क्या सीख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 50 सीट नहीं जीत पाएगी, चुनाव के बाद उसे विपक्षी दल का दर्जा भी नहीं मिलेगा। अरविंद केजरीवाल के हनुमान भक्ति, कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में पत्नी सुनीता समेत की पूजा अर्चना, पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहे मौजूद। भाजपा नेता मेनका गांधी ने दिया संकेत, संभवतः सरकार की आलोचना करने के कारण उनके बेटे वरुण गांधी को पीलीभीत से पार्टी ने लोकसभा टिकट नहीं दिया, उन्होंने भरोसा जताया कि टिकट नहीं मिलने के बावजूद वरुण बहुत अच्छा करेंगे। बिहार के समस्तीपुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी भारत के प्रधानमंत्री इसलिए बन पाए क्योंकि कांग्रेस ने इसकी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, इंदिरा और राजीव गांधी ने भारत की एकता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। सेक्स स्कैंडल मामले में हासन से सांसद प्रज्वल रैना के खिलाफ एक और महिला ने दर्ज कराई शिकायत, कहा प्रज्वल ने बार बार रेप किया, रैना के खिलाफ अब 3 महिलाएं दर्ज करवा चुकी हैं शिकायत। रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया 2 बीबी वाले बयान पर सफाई दी, कहा यह टिप्पणी एक आदिवासी व्यक्ति के सवाल के जवाब में व्यंग्यात्मक लहजे में कही गई थी। गोरखपुर में एमबीए पास राजन यादव उर्फ अर्थी बाबा इस बार भी अर्थी पर बैठकर लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने जाएंगे, राजन ने शमशान घाट में खोला है चुनाव कार्यालय। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, पाकिस्तान को कर्ज चुकाने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, वैश्विक वित्तीय निकाय ने नगदी की कमी से जूझ रहे देश की कर्ज चुकाने की क्षमता पर किया संदेह। छेड़छाड़ के आरोप में ममता बनर्जी का सवाल, बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस बताए कि उन्हें इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए, कहा जब तक बोस राज्यपाल रहेंगे राजभवन नहीं जाऊंगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने उठाया सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल, कहा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ भी या नहीं हमें नहीं पता, किसी को भी इस बारे में नहीं पता है, उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने आज तक पुलवामा हमले का खुलासा नहीं किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना की रैली में साधा अरविंद केजरीवाल पर निशाना, कहा यदि केजरीवाल समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत मिलना क्लीन चीट है तब कानून की उनकी समझ बहुत ही खराब है। तेलंगाना की चुनावी रैली में अमित शाह ने कहा दक्षिण भारत में भाजपा मतगणना के बाद लोकसभा की अधिक सीट जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरेगी, तेलंगाना में भाजपा को 10 से ज्यादा सीटें जीतने का विश्वास। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में भाजपा नेता देवराज गौड़ा गिरफ्तार, स्कैंडल के आरोपी प्रज्वल और पीड़ित महिला के वीडियो लेकर ने कहा आरोप, भाजपा नेता पर भी महिला ने यौन शोषण का दर्ज कराया है केस। राजस्थान की बूंदी में छत गिरने से एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौत, क्षेत्रीय निरीक्षक मनोज सिंह सिकरवाल ने बताया घटना प्रभुलाल गुर्जर के घर शनिवार देर रात करीब 1:30 बजे हुई, इस दौरान उनका परिवार के सदस्य बरामदे में सो रहे थे। दिल्ली कैपिटल के कप्तान ऋषभ पंत 1 मैच के लिए सस्पेंड, 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया, कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने के मामले में पंत समेत पूरी टीम पर लगाया आधे मैच फीस का जुर्माना। अपनी किताब प्रेगनेंसी बाइबल के टाइटल को लेकर मुश्किल में फंसी करीना कपूर, एक्ट्रेस पर लगाए ईसाई समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, 2021 में लॉन्च हुई थी करीना की किताब। बिग बॉस 16 फेम अब्दू रोजिक ने की सगाई, तजाकिस्तान सिंगर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया एंगेजमेंट सेरेमनी की तस्वीरें, 7 जुलाई को यूएई में होगी शादी, 3 फुट के अब्बू ने बिग बॉस में जीता था सभी का दिल। ये थे आज के फटाफट बुलेटिन, और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।